अब जीटी सामने इग्निस वर्सेस अल्टो हो गया क्या यहाँ पे? ओ भाई, तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गया आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर। और बहुत तेज गर्मी है यार, अराउंड 38-40 डिग्री टेम्परेचर है। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है और जैसे कि बोलते हैं आपको कि अगर बहुत ज्यादा अंदर का टेम्परेचर बढ़ा रहे तो आप क्या करो, थोड़ा सा गेट खोल दो, बेटर है। गाड़ी को करो ऑन, फैन को कर दो फुल डाउन पे, एक बार सारा हवा नीचे से निकल जाए। एसी को करें ऑन और इसे होने देते हैं थोड़ा सा चिल, फिर चलते हैं आगे। तो चलिए आ चुके हैं पीओवी मोड पे और अब चलते हैं। ओहो क्या था भाई साहब, दोपहर का टाइम ही सबसे सही लगता है भाई गर्मियों में वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि रोड थोड़ा शांत रहता है और थोड़ा सा वीडियो भी क्लियर अच्छा बनता है, शांति रहता है, ज़्यादा से हॉर्न पी पों पे इससे बेटर है कि दोपहर का टाइम सही है, आप आराम से वीडियो बना सकते हो। तो अब आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे कि आज का वीडियो हमारा किस चीज़ पे होने वाला है। तो आज का वीडियो हमारा दो चीज़ पे होने वाला, पहला तो हमारा इसके ब्रेकिंग पे, क्योंकि कुछ भाई खासकर ब्रेकिंग को लेके बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि भाई इसका ब्रेकिंग कैसा है। जैसा कि आप जान रहे हो कि पेट्रोल का दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब बढ़ते ही जा रहा है भाई, रुक नहीं रहा है, एक ज़रा भी नहीं रुक रहा है, बस बढ़ते ही जा रहा है। क्या भाई अगर हम लोग इस बजट में लेते हैं तो इसका माइलेज कैसा रहेगा और लेना वर्थ इट रहेगा या नहीं, तो आइए चलिए आज इस वीडियो को, इस टॉपिक को कवर करते हैं। खासकर अपने हाईवे पे चलते हैं और फिर वहाँ पे इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, क्योंकि हाईवे ज़्यादा बेटर है, आराम से आप वहाँ पे हम लोग क्लियर कर सकते हैं अपने जो भी डिस्कशन है। सामने मुस्टैंग, ओ भाई साहब ये कार कहाँ से दिख गया यार, एकदम जुप करके निकला अभी, तो देखना ज़रूरी है भाई, इसको थोड़ा क्लोजअप करके चलते हैं और देखते हैं। ओ भाई साहब जीटी सामने, खतरनाक लग रहा, प्यारा लग रहा है, देख सकते हो आप, वाह। ओ भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी आप देख सकते हो, क्या सेक्सी लग रहा, खूबसूरत कार है यार ये। और ये अब जा रहा है, ओहो भाई साहब येलो ब्यूटी, और हम इसके लिए रोक दिए अपने कार को, तो आप समझ सकते हो भाई ऐसे हम नॉर्मली कोई कार को नहीं रोकते हैं देख के, बट या ब्यूटी है यार, खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पैसा है तो क्या नहीं है भाई साहब। और आज ये कार देख के ना एकदम मजा आ गया, मतलब दिल से बोल रहे मजा आ गया भाई साहब, जीटी यार क्या सेक्सी मस्कुलर कार लगता है, मतलब और सामने से देखकर तो और मजा आ गया यार, मतलब पूरा मूड फ्रेश हो गया, रोड प्रेजेंस क्या ये सब कार का, ओ भाई साहब मज़ा आ जाता है देखकर। बाकी आज इस कार का आपको एज अ ब्रेक टेस्ट हम करके दिखाएंगे, वो भी ये कोई खाली हाईवे है नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसका ब्रेक टेस्ट हम आपको एज अ नॉर्मल यूज़र, जो नॉर्मल लोग करते हैं उस हिसाब से हम करके दिखाएंगे, और इसके एवरेज पे भी बात करेंगे हम लोग। बाकी पहले चलते हैं आगे, और जो भी आप YouTube पे खासकर वीडियो देखते हो ब्रेकिंग का, तो बहुत रेयर ही ऐसा होता है भाई कि आप इमरजेंसी ब्रेक यूज़ करते हो, ऐसा कहीं नहीं होता कि आप 120 पे चढ़ जाते हो ब्रेक पे, ठीक है। तो कुछ भी व्यूज़ लेने के लिए, गेन करने के लिए ऐसा कैची बनाना सही नहीं लगता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो हम देख रहे थे जिसमें था कि इमरजेंसी ब्रेक एट 120-140। इमरजेंसी ब्रेकिंग का मतलब ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा हो कि अब आपको लगता हो कि ये अब इमरजेंसी आ गया है कि अब ब्रेक लेना ही होगा, जैसे यहाँ पे देख लो अचानक गाड़ी आ गया, स्लो करना था, देख सकते हो आप उस लिमिट का ब्रेक यूज़ करोगे, ठीक है। ये नहीं कि आप चढ़ जाओगे ब्रेक पे, ऐसा नहीं कर सकते हो। और देख के वीडियो, ऐसा वीडियो जो भी आप देखते हो प्लीज़ ऐसा वीडियो देख के आप अपने आप को ये ना करें। पहले यहाँ से चलते हैं, आप देख सकते हो थोड़ा सा भगा रहे हैं हम,
हो तो रोड पे हाईवे पे इसका पिकअप आपको विद एसी हम दिखा रहे हैं, अभी एसी ऑन है मेरा। ब्रेकिंग आप देख सकते हो 80-90 पे हम लेकर 60 पे आराम से पहुंच जाते हैं, वैसा फील भी नहीं होता है कि कोई हार्स ब्रेक यूज हो रहा है इस पे। तो ब्रेक टेस्ट आपका ओवरऑल यहीं पे क्लियर हो जाता है और आप समझ सकते हो कि पास हो जाता है। इग्निस वर्सेस अल्टो हो गया क्या यहाँ पे? ओ भाई तो भगा रहे चचा, और एसी ऑन है मेरा बाय द वे, बट नहीं भगा पा रहे हैं। ओके तो कुछ ज्यादा ही मूड में आ गया था लगता है। ये देखो भाई जाओ जाओ, इंग्लिश वाला ओवरटेक करना चाह रहा था और ओवरटेक के चक्कर में बहुत क्लोज आ गया था। थोड़ा सा अगर हम लेफ्ट में जाते ना, बहुत ज्यादा चांसेस था कि मेरा कार टच हो जाता। और स्कॉर्पियो वाला भी इधर से दब के चल रहा था भाई अपना लेन में, उसका गलती नहीं है। तो देख सकते हो यही होता, बोली थोड़ा सा पोक होकर आदमी प्रोवोक हो जाता तो समझ लेता है कि रेस हो गया। और हम इंग्लिश वाले को वहां से बहुत गंदा, मतलब वहाँ से उसको ओवरटेक करके निकले हैं, तो ये सब बहुत कॉमन है भाई। अल्टो से वो रेस करना चाह रहा, मतलब क्या ही बताए यार, क्या ही बोला जाए, इग्निस वाले जोश में आ जाते हैं यार। खैर छोड़िए, आए थे हम लोग ब्रेक टेस्ट का ये करने और अचानक रेस वाला वीडियो बन रहा है। गाइस जो भी कार हो या बाइक हो, जब भी आप उसे थोड़ा रफ यूज करते हो, ज़्यादा थ्रॉटल देते हो, ज़्यादा भगाते हो, तो उसमें ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका माइलेज डाउन होगा ही। और अगर आप इसे इकोनॉमी में चलाओगे तो इकोनॉमी में चलाने पे आपको इकोनॉमी टाइप का मतलब बढ़िया माइलेज देगा, नो डाउट। बट अगर आप थोड़ा सा रफ चलाओगे या फिर कहते हैं ना जिसे कि थोड़ा सा भगा के चलाओगे एसी ऑन में, तो नो डाउट माइलेज आपका ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा ये भी मैं बता देता हूँ आपको, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 भी जा सकता है, ये 10 भी जा सकता है, आपके ड्राइविंग पे मैटर करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रफ चलाते हो, ब्रेक यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो, क्लच बहुत ज़्यादा ऐसे यूज़ करते हो और आप फ्यूल इफ़िशेंट कार ढूंढ रहे हो, तो आप अगर नॉर्मल ड्राइव करने वाले बंदे हैं तो आप इसे ले सकते हैं, माइलेज भी बढ़िया निकल के आपको मिलेगा। तो आप कह सकते हो भाई नो डाउट ये फ्यूल इफिशियंट कार है, और जिस तरीके से पेट्रोल का भाव बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से तो भाई मतलब आदमी सोचे कि अब पेट्रोल कार लेना है या नहीं लेना है। माइलेज चाहिए, नो डाउट माइलेज बहुत अच्छा निकाल के देती है, 20 24 22 तक भी देती है, बट यही है कि आपको वैसे चलाना होगा। अगर आपका ड्राइविंग वैसा रहेगा तो आप नो डाउट अच्छा माइलेज निकाल सकते हो। तो यही इसका लॉजिक है, सिंपल सा, नो रॉकेट साइंस। तो होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को साथ में ऑन करें ताकि वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो इसी के साथ जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।